Hi, I'm Nikita. So we've come up with this small series. Aajkal bahut common problem hai ki parents struggle a lot when they see their children struggling a lot while learning the language. So English bolna is considered a matter of being a good educated person. Bahut parents chahte hain from anywhere across the country ki unke bachche acche se bole. But aisa ho nahi pata hai even if the child is going to an English medium school. So this, we've come up with this small series about how the parent can help their child. Aap as a parent kya kar sakte hain ghar pe ki aapka bachcha better English bole aur better English seekhe in the process. So isi baat pe we'll be talking about a few things over the series. Char panch cheeze hum batayenge which can be considered hacks. और अगर आप वो hack follow करें मैं बहुत often नहीं पर अगर आप थोड़ा भी follow करें तो वी आर श्योर कि आप थोड़ा इम्प्रूवमेंट तो ज़रूर देखेंगे. सो हाउ कैन पेरेंट्स बी इन्वॉल्व. तो जब बच्चा छोटा होता है पेरेंट्स एजुकेशन में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं और एज द चाइल्ड ग्रोज ओल्डर वो इन्वॉल्वमेंट कम होता जाता है बिकॉज यू नो बैड टीन सबको पता है कि एक सर्टन एज के बाद बच्चे खुद से पढ़ते हैं बच्चे पेरेंट्स की सुनना नहीं चाहते हैं. बट एट एनी एज द पेरेंट कैन पुट हिज स्टेप डाउन और हर स्टेप डाउन एंड से कि नहीं अभी ये सीखना है और ये तुम्हारे लिए बेटर है. और बच्चे आजकल क्योंकि बहुत ज़्यादा अब्रॉड भी जाना चाहते हैं तो अब्रॉड जाने के लिए प्री रिक्विजिट है बहुत इम्पॉर्टेंट है कि बच्चा इंग्लिश स्पीकिंग करे बच्चा इंग्लिश में बेटर हो और बहुत एग्जाम्स भी देने पड़ते हैं कि इंग्लिश बेटर होगी तभी बच्चा अब्रॉड जा पाएगा. और बच्चा अब्रॉड जाएगा तो भी इंग्लिश स्पीकिंग इम्पॉर्टेंट है इवन विद इन द कंट्री. जब आप कॉलेज में जाएंगे जब आप कॉलेज के बाद जॉब करेंगे तो आपकी कितनी बेटर लैंग्वेज और कितने अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स होंगे ये बहुत इम्पॉर्टेंट होगा. तो दिस इज़ व्हाट वी विल बी टॉकिंग अबाउट इन दिस सीरीज़. एंड कैसे ये चीज़ें की जा सकती है ये बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं जो आप डे टू डे लाइफ में पिकअप कर सकते हैं. इसके लिए आपको कुछ अलग से खरीदने की ज़रूरत नहीं है इसके लिए आपको अलग से कुछ लाने की ज़रूरत नहीं है. बस आपके पास आसपास जो अवेलेबल है किसी भी टाउन से आप हों किसी भी सिटी से आप हों आप वो सब यूज़ कर सकते हैं. और हम इस बारे में बात करेंगे कि कैसे ये हैक्स अक्रॉस एजेस यूज़ की जा सकती हैं. वॉट डज अक्रॉस एजेस मीन्स. अक्रॉस एजेस मीन्स कि अगर बच्चा इज जस्ट अ न्यू बॉर्न चाइल्ड और टिल द एज ऑफ 3 or 4 years तो भी ये हैक यूज़ कर सकते हैं. वेन द चाइल्ड इज़ फ्रॉम लाइक इन प्राइमरी स्कूल फ्रॉम ग्रेड 1 to grade 8 तो भी ये हैक्स यूज़ कर सकते हैं एंड इवन बियॉन्ड. तो इसीलिए ये इतनी सिंपल हैं और ये क्योंकि अक्रॉस एजेस एप्लीकेबल हैं तो इट विल बी ईजी टू फॉलो दैम. नाउ दिस वीडियो इज गोइंग टू स्पेसिफिकली टॉक अबाउट अ वेरी वेरी कॉमन थिंग. सबको पता है ये सबको यूज़ करनी होती है ये पर सब शायद यूज़ नहीं कर पाते हैं. दिस वीडियो इज़ गोइंग टू टॉक अबाउट रीडिंग. नाउ जब भी हम लैंग्वेज की बात करते हैं इंग्लिश सीखने की बात करते हैं हम हमेशा इस बारे में सोचते हैं हम हमेशा सुनते हैं फ्रॉम द स्कूल्स फ्रॉम वॉट एवर थिंग्स वी पिक अप ऑन द इंटरनेट कि रीड करना चाहिए. पर क्या रीड करना चाहिए कैसे रीड करना चाहिए. How is reading helpful? Why is everybody saying that you have to read something? So reading is helpful because it helps you grasp the language. Ab what does that mean? It means ki aap language pick up karoge. Jitna zyada aap us language mein padhoge, utna zyada aap wo language pick up karoge. Now everybody who has a command over the language, jo bhi bahut achhi English bolte hain, wo hamesha at some point of time achhe readers rahe hain. मतलब उन्होंने कभी ना कभी बहुत सारी रीडिंग करी होगी तभी उनकी लैंग्वेज इस लेवल पे पहुंची है तभी वो बेटर अपनी लैंग्वेज पे इम्प्रूव कर पाए हैं तभी उतने फ्लो और उतने कम्युनिकेटिव हो पाए हैं. सो रीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉर्म अ बेस इन योर लैंग्वेज एंड हैविंग अ बेस इन द लैंग्वेज इज़ द फर्स्ट स्टेप टू इम्प्रूविंग द लैंग्वेज. ओके नाउ द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि रीडिंग मटीरियल तो आपके पास बहुत अवेलेबल है. जब भी हम सोचते हैं कि रीडिंग देते हैं हम यूजुअली कुछ भी आसपास जो भी रीडिंग मैटर अवेलेबल होता है अपने बच्चों को दे देते हैं. पर क्या ये करेक्ट वे ऑफ गोइंग अबाउट है अबाउट रीडिंग है. क्या हमें कुछ भी उनको दे देना चाहिए. नाउ हियर कम्स द क्वेश्चन ऑफ एज अप्रोप्रिएटनेस. एज अप्रोप्रिएट मैटर दिया जाए बच्चों को तो पहली चीज़ तो वो जल्दी समझेंगे क्योंकि उनका उस मैटर का कंटेंट सिंपलर होगा उसमें जो वर्ड्स दिए जाएंगे वो सिंपलर होंगे और वो बच्चा जल्दी उस चीज़ को समझेगा और लर्न करेगा. नाउ एज अप्रोप्रिएट क्या होता है.
कि ये कंटेंट हमने दिया, अगर हमने एक 4 साल के बच्चे को कोई न्यूज़पेपर दिया, अब हमने द हिंदू आ रहा है, बहुत पॉपुलर पेपर है, सारे बच्चे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हैं वही पेपर पढ़ते हैं, तो हमने अपने बच्चे को ये पेपर दे दिया, तो क्या ये उसकी हेल्प करेगा? नहीं, क्योंकि हिंदू बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड पेपर है, उसमें जो लैंग्वेज यूज़ की जाती है वो बहुत हाई लेवल है। ये पेपर इसीलिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यूज़ होता है क्योंकि जब तक आपका बच्चा एक सर्टन मेंटल डेवलपमेंट पे पहुंचता है बाय द एज ऑफ 17 और 18, तब इस पेपर को इंट्रोड्यूस करना बेहतर होता है, क्योंकि तब तक लैंग्वेज इतनी डेवलप हो जानी चाहिए कि बच्चा उस पेपर को समझ पाए। इसीलिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आफ्टर कॉलेज, जैसे क्लैट हो गया, उसमें इस पेपर का यूज़ होता है, या फिर अगर आपका बच्चा कभी यूपीएससी की तैयारी करेगा तो बिल्कुल ये पेपर यूज़ होता है। बट एक 4 साल 5 साल के बच्चे को आप क्या देंगे? इनफैक्ट आपको टाइम्स ऑफ इंडिया भी उठाकर नहीं देना चाहिए, क्योंकि इवन दो इट्स अ सिंपलर न्यूज़पेपर, इवन दो द वर्ड्स यूज्ड मे बी सिंपलर, द लैंग्वेज यूज्ड मे बी सिंपलर, आर यू श्योर दैट यू वॉन्ट टू यू नो पुट योर चाइल्ड इन फ्रंट ऑफ द काइंड ऑफ न्यूज़ अवेलेबल दीस डेज? बहुत सारी वायलेंस की न्यूज़ होगी, बहुत सारी पॉलिटिकल न्यूज़ होगी, जो कि आपके बच्चे के बिल्कुल मतलब की नहीं है। ऑल्सो उसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या होगा, आप काफ़ी टाइम तक गेज नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए न्यूज़पेपर्स देमसेल्व्स हैव कम अप विद अ सॉल्यूशन कि स्पेशल एडिशंस आते हैं बच्चों के लिए, और अगर आप वो स्पेशल एडिशंस दें बच्चों को तो वो ईजिली पढ़ सकते हैं उसको, या फिर अगर आप चाहते हैं कि आपको एक जगह पर कहीं एज अप्रोप्रिएट न्यूज़ मिल जाए तो आप हमारा ऐप भी यूज़ कर सकते हैं। नाउ द सेकेंड थिंग, एक तो सोर्स आपका चलिए एग्जाम्पल के तौर पे न्यूज़पेपर हो गया, नाउ व्हाट इज़ द सेकेंड थिंग? बुक्स। अब बुक्स तो सब जानते हैं कि पढ़नी चाहिए, सब पेरेंट्स को बताया जाता है कि आपके बच्चे को बुक्स पढ़नी चाहिए, आप बुक्स ला के दें उससे, तो कौन सी ये बुक्स होनी चाहिए? क्या आप एक 3-4 साल के बच्चे को कोई किताब ला के देंगे तो वो एकदम से पढ़ने लग जाएंगे? नो। तो रिसर्च सेज कि अगर आप अपने बच्चे को जब बेबी बहुत ही छोटा है अपने आप से बुक पढ़ के सुनाएं तो बच्चे का इंटरेस्ट बनता है कि वो आगे जाके पढ़ेगा, बुक्स में स्टोरीज में इंटरेस्ट बनता है। तो अगर आपका बेबी बहुत छोटा है आप ये ट्राई कर सकते हैं कि आप अपने बच्चे को बुक रीड करके सुनाएं, राइट? अगर आपके बच्चे बड़े हो गए हैं देन यू कैन गेट देम बुक्स। नाउ हाउ विल यू सिलेक्ट द बुक्स? सो फॉर समवन इन द एज ग्रुप ऑफ फर्स्ट ग्रेड और सेकेंड ग्रेड या 5-6 साल 7-8 साल इनफैक्ट के बच्चों को आप पिक्चर्स वाली बुक ला के दें जिसमें बहुत सारे पिक्चर्स बने हों। अब पिक्चर्स होंगे तो बच्चे का इंगेजमेंट उस बुक में बढ़ेगा, पिक्चर्स के साथ जो टेक्स्ट होगा वो बच्चा फिर साथ में पढ़ सकता है। अगर बच्चा बहुत छोटा है 5-6 साल का है तो आप उसके साथ साथ अल्फाबेट रिकग्निशन भी सिखा सकते हैं, तो उसका डेली स्कूल लैंग्वेज भी इम्प्रूव हो जाएगा। तो ये हो गए पिक्चर सिलेक्शन वाली बुक्स। देन एज द चाइल्ड ग्रोज ओल्डर, अब बच्चा 7th 8th में आ गया है, फिर आप क्या करेंगे? फिर आप थोड़े बिगर बुक्स, आप हैरी पॉटर्स पिक कर सकते हैं, बहुत ही पॉपुलर हैं और बहुत ही अच्छी सिंपल लैंग्वेज यूज़ की गई है। बच्चा और बड़ा हो गया, 10th 11th 12th में चला गया, तो आप क्लासिक्स भी पिक कर सकते हैं, क्योंकि क्लासिक्स की लैंग्वेज टफ होती है, तो एक सर्टेन लेवल के बाद ही बच्चा वहाँ तक पहुँच पाएगा। तो ये आपने बुक सिलेक्ट कर लिया। नाउ कम द इम्पॉर्टेंट हैक्स, कैसे यूज़ करेंगे आपके पास? अब मैटर सिलेक्शन तो हो गया, तो आप ये यूज़ कैसे करेंगे मैटर? फर्स्टली जैसे मैंने बताया कि आप बच्चे को पढ़ के सुना सकते हैं खुद ही व्हेन द चाइल्ड इज़ वेरी यंग। अब द चाइल्ड हैज ग्रोन स्लाइटली ओल्डर, नाउ व्हाट कैन यू डू? यू कैन आस्क द चाइल्ड देमसेल्व्स टू रीड द सेंटेंस आउट टू यू। बच्चे को बोलें कि वो पढ़ के सुनाए सेंटेंस फ्रॉम द बुक, और ये हैक आप इनफैक्ट 8th स्टैंडर्ड के बच्चों तक यूज़ कर सकते हैं। तो खाली पढ़ के सुनाना इज नॉट द इम्पॉर्टेंट थिंग हियर, बच्चे को फ्लो में पढ़ के सुनाना है कि अगर बच्चा एक लाइन पढ़ रहा है तो उस लाइन के बीच में रुके ना, कोई गैप्स ना हो। अगर कहीं बच्चा रुक जाए तो यू आस्क द चाइल्ड टू रिपीट द लाइन ऑल ओवर अगेन। दिस विल क्रिएट अ फ्लो, दिस विल क्रिएट कंटिन्यूटी, एंड इट विल ऑल्सो गिव द चाइल्ड द कॉन्फिडेंस टू रीड एनी काइंड ऑफ टेक्स्ट सीमलेसली। एकदम आराम से बच्चा जो सामने बुक होगी वो पढ़ पाएगा। तो ये हो सकता है थोड़ा टाइम ले,
मतलब एक बार जब पहली बार बच्चा कोई सेंटेंस पढ़ेगा तो ज़रूरी तो नहीं है कि फ्लो में पढ़ ले, तो ये प्रैक्टिस से आएगा, राइट। एंड द थर्ड थिंग यू कैन डू इज़ व्हेन द चाइल्ड इज स्लाइटली ओल्डर अगेन, अब 8th से ऊपर हो गया बच्चा, 9th, 10th, 11th, 12th आ गया, अब क्या कर सकते हैं, अब आपने कोई भी मैटर दिया, कोई आर्टिकल ही दे दिया 10 पेज का या कोई बुक दे दी, और फिर आपने बच्चे को बोला कि अब 5 मिनट में इसकी समरी सुना दो, तो जो बुक रिव्यू मिलेगा या आपको मैटर की समरी मिलेगी 5 मिनट में, वो कंप्लीट इंग्लिश में होनी चाहिए, और वो इंग्लिश में है, अगेन सेम रूल्स अप्लाई कि बच्चे को रुकना नहीं चाहिए, फ्लो में बोलना चाहिए, और जो भी बच्चा बोलेगा कॉन्फिडेंस से बोले, राइट। सो जब ये तीन चीज़ें, लाइक व्हेन यू यूज दीज हैक्स रिपीटेडली, द चाइल्ड इज श्योरली गोइंग टू इम्प्रूव इन देयर स्पोकन लैंग्वेज, एंड माय रिकमेंडेशन इज दैट यू यूज दीज हैक्स एटलीस्ट ट्वाइस वीकली, एटलीस्ट हफ्ते में दो बार ट्राई करें, और ऐसा नहीं होगा कि आपने पहले हफ्ते में दो बार ट्राई कर लिया तो अगले हफ्ते में बहुत ड्रामेटिक इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। हर बच्चे की अपनी लर्निंग स्पीड होती है, तो उसे टाइम दे, डांटे वाटे नहीं, कोई बात नहीं, तो ओवर द वीक्स में भी एक महीने बाद आपको इम्प्रूवमेंट दिखे, बट इम्प्रूवमेंट ज़रूर आएगा। सो दिस वॉज माई सिंपल सेट ऑफ हैक्स, आई होप दे हेल्प यू, एंड प्लीज़ यूज दैम, टेल मी हाउ यू फाउंड दैम एंड टेल मी वट द इम्प्रूवमेंट्स यू सॉ, एनी डाउट्स यू हैव प्लीज़ लीव दैम इन द कॉमेंट्स बिलो, थैंक यू।